मुल्क भर में कोरोना से आज कोई मौत रिपोर्ट नहीं हुई। 24 घंटे के दौरान 653 नए केस रिपोर्ट। NIH के मुताबिक कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 3.45% रिकॉर्ड। वायरस के 18,950 टेस्ट किए गए। 162 मरीजों की हालत तश्वीशनाक करार। वायर टैपिंग जो इलीगल है, गैर आईनी है, ये प्राइम मिनिस्टर की सिक्योर लाइन की टैपिंग हो रही है, जिसकी टेक्निकल कैपेबिलिटी सिर्फ और सिर्फ इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास होती है, आम शहरी के पास नहीं होती। कि उनको क्योंकि इमरान खान के खिलाफ कुछ नहीं मिल रहा करप्शन के हवाले से, तो वो उनकी फैमिली पे टारगेट करें। हुकूमत ओछे हथकंडों पर उतर आई। PTI ने हुकूमती कार्रवाइयों का पर्दा चाक कर दिया। इमरान खान के घर का फोन टेप, शेर मजारी कहती हैं। अदालती फैसले के मुताबिक फ़ोन टेप करना ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की संगीन खिलाफ वर्जी है। इमरान खान के खिलाफ करप्शन पर कुछ नहीं मिला तो फैमिली को निशाना बना लिया। फवाद चौधरी ने कहा, फ़ोन को टैम्पर किया जाता है, एक जगह से आवाज़ उठाकर दूसरी जगह जोड़ी जाती है। फारूक सत्तार की MQM में वापसी ना हो सकी। पतंग के निशान पर इंतखाब लड़ने की ऑफर भी ठुकरा दी। आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ने पर बजट NA 245 और बल्दियाती उम्मीदवारों के मामले पर डेडलॉक बरकरार। फारूक सत्तार ने अपने बल्दियाती पैनल्स का इजलास तलब कर लिया। MQM को भी दावत। फारूक सत्तार जीतने के बाद MQM में वापसी का ऐलान कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।